सिमी जी मॉर्निंग, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरा पहला कॉल होगा एसीसी पर। एसीसी पर मैं एक अच्छा ब्रेकआउट देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। और यहाँ से खरीदने से पहला जो मेरा टारगेट होगा 2378 का होगा। 2378 का पहला टारगेट है, 2385 का दूसरा टारगेट है और 2395 का तीसरा टारगेट होगा। एसीसी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2345 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। एसीसी में शानदार फॉर्मेशन है, शानदार परफॉर्म भी किया था लास्ट वीक, तो लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी भी दिखाया था, तो एसीसी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। दूसरा स्टॉक होगा आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें लास्ट वीक भी मैंने बाय कॉल दिया था, इस बार भी मैं रेकमेंड करूंगी आईसीआईसीआई को खरीद कर चलने का सलाह है। 804-5 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि जो गैप लास्ट वीक छोड़ के आया था, वो गैप प्रीवियसली जो गैप छोड़ के आया था, वो गैप लास्ट फ्राइडे को भी होल्ड किया था और इस बार भी होल्ड करेगा। सिर्फ 810 का क्रॉसओवर का इंतजार है। अगर 810 क्रॉस करके ये सस्टेन करने लगता है तो पहला टारगेट होगा इसका 825, दूसरा होगा 840 और तीसरा होगा 855। तो आज करंट लेवल पर थोड़ा सा खरीदिए, 795 के नीचे स्टॉप लगाइए, 810 के ऊपर एड ऑन कर लीजिएगा 825 का पहला टारगेट, 840 का दूसरा टारगेट और 855 का तीसरा टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को खरीद कर चलिए। ओके, तो मेटल्स और फाइनेंस